जय हिंद माय डियर फ्रेंड। आज का यह क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल है। इसमें क्वेश्चन भी चुन चुन कर लाया गया है, तो बस एक एक क्वेश्चन को फोड़ते जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड, तो जल्दी फास्ट। ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर जो आवेश की न्यूनतम मात्रा होती है वह सबसे कम इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर ही होती है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी 2/1। देखिए कैसे। मेरे दोस्त, जब भी एक लंबे समरूप आविष्ट तार और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में संबंध पूछता है तो इसका देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है E = 2k λ/r। तो अब आप मेरे दोस्त बताइए कि E जो है R के साथ कैसा कर रहा है रिलेट। E समानुपाती 1/r ऐसे ही ना कर रहा है। तो अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं और यहाँ पर कि अब देखिए हम लोगों से क्या पूछा है, E1/E2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे E1/E2 और हम लोग यहाँ लिख देंगे R2/R1। तो अब देखिए मेरे दोस्त, पहले केस में R R है और दूसरे केस में R क्या है, 2R। तो हम लोग दूसरे केस में R को 2R और R1 को R, तो R से R कट गया, तो कितना बचा, 2:1, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड, तो जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए PE। मेरे दोस्त, एक बार क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90° का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण। तो मेरे दोस्त, एक देखिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है PE sin θ, τ = PE sin θ फॉर्मूला होता है और थीटा का मान 90 दिया गया है, तो रखिएगा तो sin 90 का मान कितना हो जाएगा 1, तो ओनली क्या बचेगा τ = PE, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी 90°। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण, देख रहे हैं यही मेन खासियत है क्वेश्चन का, बोला है अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी और ई के बीच कोण होगा। तो मेरे दोस्त, τ = मैंने अभी फॉर्मूला लिखा PE sin θ, τ
टाउ को मैक्सिमम होने के लिए साइन का मान मैक्सिमम होना चाहिए। तो साइन में थीटा का मान कितना पर मैक्सिमम होता है? 90 डिग्री पर। ये 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी नहीं काटती है मेरे दोस्त। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं? तो मेरे दोस्त, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी काटती ही नहीं हैं। किसी भी एंगल पर वह एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वो हमेशा लंबवत निकलती हैं और लंबवत ही प्रवेश करती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। तो जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU में 4.78 × 10⁻¹⁰ इतना ही मान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी। आखिर देखिए यह क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्या पूछा है? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछा है, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P = Q×D, ठीक है। Q का मान आप एक ले लीजिए, 3.2 × 10⁻¹⁹, ठीक। और डी का मान ले लीजिए 2.5 × 10⁻¹⁰ और इतना को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो चल, इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संरक्षी। मेरे दोस्त, स्थिर विद्युत क्षेत्र हमेशा संरक्षी क्षेत्र होता है, ठीक है। तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी। बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। देखिए कैसे। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी, एक पर प्लस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू। तो मेरे दोस्त, मैंने बोला था कि यह कोई पिंड है और यह प्लस चार्ज है तो इसका द्रव्यमान घटेगा, ठीक है। और कोई माइनस चार्ज है कोई वस्तु तो उस पर क्या होगा? बढ़ेगा। तो मेरे दोस्त, बी क्योंकि ऋण आवेशित है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 1.8 × 10⁻¹ कूलम प्रति केजी। इसी के साथ
इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ।